नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ग्रो गार्डन विथ मी में। दोस्तों बहुत दिन हो चुके हैं मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, अभी लगभग 2 महीने हो गए हैं मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं एक भी। तो मैं आज अपने एक अपने गार्डन का एक व्यू देना चाहती हूँ आप लोगों को बहुत दिनों के बाद में। तो दोस्तों अभी तो फ्लावरिंग बढ़िया हो रही है क्योंकि बड़े बरसात आ चुकी है तो पानी भी अच्छी से प्लांट्स को मिल रहे हैं। तो सभी जो गर्मी के टाइम के सूखे हुए थे सब बढ़िया हो रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा देखिए मैक्सिकम पिटूनिया, और अभी जो है ना बढ़िया मेरे जो फ्लावर्स हो रहे हैं वो है बिनका के फ्लावर्स। सभी में बराबर अभी फ्लावर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सभी तरफ देखूँ तो बिनका ही बिनका ज़्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ इसमें देसी हैं, कुछ जो हमारे बिनका की हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है वो भी इनमें है। तो देसी वाले तो बहुत ज़्यादा फ्लावर करते हैं बढ़िया, उनको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है, पहले आप पूरे ग्रीन से यहाँ पे मैंने रेड वाले जितने भी रेड पत्तियों वाले होते हैं प्लांट्स उनको रख लिया, वंडरिंग जीव है और यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से थोड़ा सेट कर दी हूँ, तो थोड़ा चेंज कर देने से अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने ग्रीन रखा है, तो यहाँ पे ऊपर में है मेरा टाटा स्काई की छतरी, तो इसकी वजह से यहाँ पे नीचे मुझे प्लांट्स देख करके रखने पड़ते हैं, हाइट वाले ज़्यादा नहीं रख सकती हूँ। तो ये जो प्लांट्स देखेंगे आप यहाँ पर, अभी सफाई को तो इतना इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि घास वास कुछ कुछ होती ही रहती है और अभी मैं नहीं कर पाई हूँ, इसको भी जल्दी साफ़ करना है नहीं तो फिर बरसात ज़्यादा होने से बढ़ जाएंगे पूरे। तो यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ में इतनी बरसात भी अभी नहीं आ रही है, बार बार रुक रुक के आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सोरा में भी ये जो है ना ये पूरी बर्न हो गई थी गर्मी से और अब धीरे धीरे सभी सही हो रही है। यहाँ पे पिटूनिया को भी मैंने पूरा अच्छे से कटिंग की है, सफाई की है, अब उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं फिर से अच्छी तरीके से। लेकिन पूरी गर्मी में यही रखे थे फिर भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो मेरा बेबी सन रोज़ का प्लांट भी जब से जगह चेंज करी हूँ यहाँ पे तो फिर भी अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें। पहले रखा था वो ज़्यादा धूप में था तो थोड़ा सा यहाँ पे छांव रहती है 11-12 बजे तक, उसके बाद धूप आती है। अक्रोटन देखे, अक्रोटन धूप में ऐसी कंडीशन हो गई पानी ना मिलने की वजह से, इसकी पत्तियाँ भी बर्न हो गई थी पूरी देखिए, अब वापस ये भी सब ठीक हो रहे हैं सुधर रहे हैं। तो गर्मी में क्या होता है ना दोस्तों, कभी मेरा बीच में बाहर भी जाना हो गया था तो कभी पानी 1-2 दिन ही मेरे ख्याल से ऐसा नहीं डरा होगा ना, तब भी उसमें ऐसी प्रॉब्लम आई है। और ये देखिए मेरा कनेर इतना बड़ा हो गया है प्लांट, बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो हो रहा है। यहाँ पे मैं देखो कटिंग से लगाई थी ये वाला गुड़हल का प्लांट और ये भी अच्छी तरीके से घना हो गया है, फ्लावर्स भी इसमें बढ़िया आ रहे हैं। देखिए कलियाँ इतनी सारी इसमें कलियाँ हैं मेरे भगवान जी में चढ़ाने के लिए, तो फूल बहुत सारे निकल जाते हैं मेरे गार्डन से। ये है मेरा देखिए रेन लिली, रेन लिली बरसात आते ही खिलने स्टार्ट हो गए हैं और मतलब गर्मी में मई अप्रैल मई में भी ये खिल ही रहते, पानी के बीच में 1-2 बार भी आने से ये खिल जाते थे। इसकी पूरी कटिंग बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े लग गए थे, ब्राउन कलर के जो होते हैं तो वो निकल ही नहीं रहे थे। मैं पूरा स्प्रे करके देख ली सब, मतलब जितने इलाज थे ब्रश से भी करके देखी तो वो बहुत कुछ नहीं जा रहे थे। फिर मैं बाहर गई थी तो मेरे हस्बैंड ने इसको कट कर दिया है, बोले बहुत हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो इस वजह से वो काट दिए हैं उसको। अब देखते हैं अच्छा घना हो जाएगा वैसे ही प्लांट। ये भी है देखिए, इसको भी पूरा अभी कटिंग छटिंग सबकी कुछ हुई है तो ये धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ लेंगे। तो हिबिस्कस के प्लांट तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ये जो मिली बग होते हैं और इन सभी कीड़ों के बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े लगते रहते हैं, नज़र रखी रहनी पड़ती है। ये कनेर है, कनेर भी बढ़िया ग्रोथ पर है और ये देखिए यहाँ पर बढ़िया खिले हैं हिबिस्कस। और ये मेरा अभी करी लिप्स का प्लांट देखेंगे तो कितना घना और बहुत अच्छी कंडीशन हो गई है, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं पोर्चुला का में भी बढ़िया फ्लावर्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पे येलो कलर के सबसे प्यारे लगते हैं मेरे को येलो कलर, और ये भी देखिए इसमें दो कलर के हैं इसमें, एक डार्क कलर के भी हैं और एक लाइट कलर के भी फ्लावर्स इसमें हैं देख सकते हैं। तो ये अच्छा घना हो जाता है ये वाला, तो बाकी येलो वाले है ना ये ज़्यादा घने नहीं है, फिर मैं कटिंग करते रहती हूँ तो ये इतने हैं। अभी यहाँ पूरी क्लीनिंग करनी है, नीचे देख सकते हैं बहुत गंदा पड़ा है। और ये वाला मेरे मिनिएचर हिबिस्कस, तो ये जो है ना बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर आप लगाना चाहते हो अपने घर में कोई फ्लावरिंग प्लांट तो ये ज़रूर लगा लीजिए और इसको थोड़े बड़े प्लांटर में लगाइए। ये जब से मैं इस प्लांटर में लगाई हूँ ना देखिए इसको, तो ये यहाँ पे तो बिनका भी लग गए हैं, 2 प्लांट्स इसमें सीड से ग्रो हो गए हैं। और ये देखिए ये वाला डबल पेटल चांदनी,
ये बहुत दिन से इसमें फ्लावर नहीं आ रहे थे क्योंकि इसकी रूट बाउंड हो गई थी। मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी थी इसका। जब से इसमें बड़े वाले में लगाई हूँ इतना अच्छा ग्रोथ इसकी हुई है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखी, फ्लावर्स इसमें इतने आ रहे हैं और ऐसे घने हो जाते हैं ना प्लांट, तो बहुत अच्छे लगते हैं टेरिस पर जब जाओगे ना देखने। ये देखिए कैसे गिर गया है ये, तो इसको भी पूरा मेरे को अच्छे से सेट करना पड़ेगा। इसको कुछ से बांध देंगे तो अच्छी तरीके से ये हो जाएगा, अच्छे से खिलेगा। ये सपोर्ट देने से क्या होता है, ये बेल वाले प्लांट थोड़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से भी जंगली प्लांट है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है। ये प्लांट भी बढ़िया फ्लावर है। ये है मेरा सिंगल पेटल चांदनी। तो ये सबसे बेकार कंडीशन जो है अभी मेरे गार्डन में वो है मेरे रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट सभी देखेंगे ना तो सबकी कंडीशन ऐसी है, कुछ तो एकदम है। बाहर से आई जब देखी तो पानी सूख भी गए थे, लेकिन अब जब से पानी रेगुलर मिल रहा है तो वापस से उनकी कंडीशन सही हो रही है। और ये भी देखिए देखिए अभी सही हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि देखेंगे तो ये देखिए पूरी रेड लीव्स, नई नई पत्तियाँ निकल रही है, पर फ्लावर्स आ ही रहे थे पूरी गर्मी में। सबसे बढ़िया है ये नाग चंपा में तो हमेशा फ्लावर्स रहते हैं। अभी मैं एक प्लांट नया लगाई हूँ, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, पर ये देखिए ये मुझे ला के दिए थे कोई, तो वो बोले कि बहुत अच्छा, ये देखिए इसकी सूंड जैसी है ना, हाथी सूंड, तो ये हाथी सूंड इसका नाम ही है। हाथी सूंड के इसमें बहुत सारे फ्लावर्स ऐसी लटकते रहते हैं, उनकी सूंड जैसे ही शेप होता है, तो इसलिए इसको हाथी सूंड प्लांट भी कहते हैं। तो ये मैं अभी लगाई हूँ कल ही, लेकिन ये लग चुका है शायद, इसलिए इतना ग्रीन ग्रीन थोड़ा हो गया है। ये देखिए सीडम कितना लग रहा है हर जगह जगह पे, ये जहाँ पे भी इसकी कटिंग छोटी सी गिरी है, कोई भी हो, ये हैंगिंग प्लांट ऐसे ही रहते हैं, छोटी सी कटिंग से ही लग जाते हैं कहीं पर भी। ये मेरा पॉर्चुला का मैं लगाई हूँ, नया कलर है ये, तो ये कटिंग में लगाई हूँ, दो छोटी छोटी कटिंग लगा दी हूँ जिससे कि प्लांट अच्छा हो जाएगा, और इतनी छोटी कटिंग मिली थी उसको भी दो कर दी हूँ। तो ये देखिए अभी बढ़िया विनका ही मेरे ज़्यादा खिले हुए हैं, पर अब धीरे धीरे सभी प्लांट अच्छे होंगे और गार्डन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी केयर होगी, इनकी सभी ध्यान देंगे। तो देखिए विनका में ये प्रॉब्लम आती है, बरसात होगी ना ज़्यादा पानी में ऐसे हो जाएंगे, तो इनको आप तोड़ दीजिए या कटिंग नीचे से कर दीजिए, नहीं तो आपके पूरे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। देसी प्लांट में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, पर इनमें बहुत जल्दी ये ख़राब होते हैं, तो इनको आपको नज़र रखना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो लाई हूँ, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।